वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। कोरोना है लेकिन इलाज नहीं, बेकाबू मरीज है लेकिन अस्पतालों में बेड नहीं, कोरे आश्वासन है लेकिन व्यवस्था नहीं, परिजनों को जाते देख चित्कार है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, मोबाइल नंबर की लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन फोन उठाने वाला नहीं, ऑक्सीजन है लेकिन सिलेंडर नहीं, हर तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल। मेरठ के न्यूटीमा अस्पताल में बीते 24 घंटे में 9 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन के अभाव के चलते उनके मरीजों ने दम तोड़ा है। न्यूटीमा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि फिलहाल मरीजों की भर्ती रोक दी गई है, व्यवस्था दुरुस्त होने पर कोरोना मरीजों को भर्ती किया जाएगा। यह हाल है प्राइवेट अस्पतालों का, सरकारी की तो खैर बात ही कुछ और है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में स्टाफ ही आपस में उलझ रहा है, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, मरीज फटी आंखों से इस लड़ाई को देख सदमे में है, वह टूटती सांस व आस दोनों को ही लिए रुखसत हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की एक स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह अपने पति के शव के पास विलाप करती नजर आ रही हैं। पिछले 3 दिन में वह वेंटिलेटर की मांग कर रही थी, नहीं मिला तो मरीज ने दम तोड़ दिया। कोरोना को हरा देने का पिछले साल जितने दावे किए जा रहे थे उन सभी पर यह साल बहुत भारी पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार न होने के कारण इस बार कोरोना बेकाबू है। रविवार की रात मेरठ के गढ़रोड स्थित न्यूटीमा अस्पताल में परिजनों ने तोड़फोड़ की, स्टाफ से मारपीट की गई। परिजनों ने सीधा आरोप लगाया कि भरपूर पैसा एडवांस में जमा कर लिए जाने के बावजूद अस्पताल में व्यवस्था भगवान भरोसे है। बीती रात ऑक्सीजन की सप्लाई रोकने के कारण कई मरीजों की मौत हो गई। आइए देखते हैं मौके पर पुलिस के सामने होती नोकझोक। आधे घंटे में यहाँ 6 जनों की जिंदगी खराब हो गई, क्या 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 अपने अपने मरीज की हिफाजत करो। लापरवाही इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अखिलेश मोहन ने यह जानकारी फर्स्ट बाइट को दी। मेरठ में न्यूटीमा हॉस्पिटल के अंदर शाम को हमें खबर परिजनों से मिली कि ऑक्सीजन कम है। इस पे हम लोग सीएमओ में स्वयं अपने एसीएमओ के साथ वहाँ पहुँचा, तब ऑक्सीजन लाइन में थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लाइन में लगे हुए थे, ऑक्सीजन ख़त्म नहीं हुई थी। एक पैनिक था लोगों में, किसी ने बता दिया था कि ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं वहाँ पे 2.5-3 घंटे रहा, उस दौरान ऑक्सीजन संयंत्र चालू था और जब वहाँ पे लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स अलग अलग गाड़ी में आ रहे थे और लग रहे थे। इस समय क्राइसिस का समय है, बहुत ही हिसाब से लोगों के अंदर ऑक्सीजन का वितरण किया जा रहा है। बहुत से लोग होम आइसोलेशन वाले भी ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जा रहे हैं, तो जिससे कि किसी भी जने को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। देखिए, कोविड महामारी में चीज़ों में प्रॉब्लम आई है, ये सब जानते हैं। रिसोर्सेज हैं कम हो गए हैं, ये सबको मालूम है। रिसोर्सेज क्रंच है, इसका इसको मालूम है। परंतु इस तरह का व्यवहार मरीजों द्वारा बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जो मरीज कल मरे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट समय मरे हैं, और उनका मरना वो इसलिए मरे हैं क्योंकि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जब किसी मरीज का कोरेड स्कोर एक लिमिट से ऊपर होगा तो उनको बचा पाना संभव नहीं हो पाता है। उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनके लंग काम नहीं कर रहे थे, ऐसे मरीज का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये समझना पड़ेगा आम आदमी को कि जहाँ इटली जैसे देश, अमेरिका जैसे देश फेल हो गए और वो भी अपने 60 साल से ऊपर के लोगों को वेंटिलेटर सुधार नहीं दे पाए, तो हमारे देश की तो क्या बचात है। तो बीमारी को समझना पड़ेगा, अपनी बीमारी के लिए किसी और को दोषी ठहरा के उस पर लालचन लगा के मारपीट करना, तोड़फोड़ करना कोई लाजमी बात नहीं है। उधर मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज का भी बुरा हाल है। जितने मरीज बेड पर हैं उससे कहीं फर्श पर हैं। मरीजों के साथ तीमारदारों की भीड़ से भी वहां अव्यवस्था हो रही है। बीते दिवस ही स्टाफ नर्स अमृता पीटर के पति
की मौत हो गई। आइए देखते हैं वह वायरल वीडियो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। घर पर रहें, सेफ रहें, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।